ये जो छोरी है बच्चियां हैं भगवान का रूप है, घर की लक्ष्मी है, छोटी छोटी कन्या देख के सोनी लगे मेरी बेटी बेटी है लाडो। एक बार भी को नहीं कहो दादी चाल मम्मी चाल ना, सारा सत्संग देखूंगी। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। भैया बेटियों को सपोर्ट क्या करो रे, मैं आपको बता दूं भजन गाने से पहले, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि सबसे बड़ी बुराई है समाज के अंदर भ्रूण हत्या। इस भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ, ये लेडीज बैठी है, कसम खा के जाओ बाबा के दरबार में, ना भ्रूण हत्या करेंगे और ना करने की किसी को राय देंगे, कोई करेगा तो उसे रोकने का काम करेंगे। ये सामाजिक बुराई, अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को गर्भ के अंदर ही मरवा देना, ये बहुत बुरी बात है, इससे माड़ी बात कोई नहीं है भगत जन। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बेटियां हैं, ये बेटे हैं ना, हम इनको तो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो घर बसा होगा वस्त्र लगा इसका, तो ले बेटा दूध पी ले, ले बेटा घी खा ले, छोरी ने सोचेंगे 18-20 साल के हैं, पाछा अपना अगला घर बसाएगी, दूध लेगा बेटन दे देंगे, ना भाई ऐसा मत करो। इन छोरिया ने ज्यादा नहीं, आप अगर 100% बेटे में जोर लगाते हो ना, इन कन्याओं के ऊपर 25% जोर लगा के देखो, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ये कितने आपकी इज्जत के झंडे गाड़ती है। क्यों? प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी बच्चा है, आप सपोर्ट करो इन गुड़ियों को और फिर देखो रिजल्ट कितना अच्छा, चाहे पढ़ाई का मामला है चाहे स्पोर्ट्स का मामला है। एक तो आप बेटियों को इग्नोर मत करो, और दूसरी बात नशा भाई, ये मैं दो ही चीजें बताता हूँ, फालतू चीज में बताते ही समाज के अंदर जो मैं हिंदुस्तान में घूम के देखता हूँ, ये नशा भट्ठा बिठावेगा इस देश का, लेके बैठेगा इस हिंदुस्तान में, मैंने बता दिया आपको। क्योंकि ये पुराने बुजुर्ग देखो, इनके चेहरे आज भी लाल दगदग करते हैं, क्यों? इनके टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे पकवान थे, इतना नशा नहीं था ज्यादा, समय को हो गए, या आजकल पता नहीं क्या क्या नशे चल पड़े, 2-2 हजार रुपए के नशे एक मिनट में कर जावे बच्चे, जिंदगी खत्म हो जाती है। ये पुराने बूढ़ों के चेहरे पे आज भी लाली है, अंगूठिया ने देख लियो, क्यों? क्योंकि इनके हिस्से में क्या आया, मक्खन लासी टिंडी दूध दही पनीर छाछ, और ये देख लो इनके, ये आजकल के नौजवान, इनकी उम्र पूछ लो बेटा, उम्र कितनी है? 18 साल, वजन 44 किलो, पता है ना मेरे को, 44 किलो के जवान। अरे ये जवान है आंटी, भारत का जवान 18 साल का जब होता था ना, पूछ ले बुजुर्गों से, रुका पड़ता था संसार में, जवान है तो भारत में है, और भारत जैसा जवान कहीं नहीं है धरती के ऊपर। अरे ये जवानी ने खा गया नशा आजकल, ये बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी आदतें, इसीलिए आजकल इनके गाल के पीछे पड़े हैं 20 साल की उम्र में। इनके हिस्से में क्या आया, चाउमीन आउमीन बर्गर डोसा समोसा ब्रेड गरम ब्रेड लो, है ना बेटा, ये चीजें खाते हैं बस खत्म है। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें खाया करो और पहलवान बन जाओ, जवान बन जाओ, अपने गांव का माँ बाप का नाम रोशन करो भाई, ये चीजें इस तरफ आप लोग जाओ। और अभी मैं दो भजन आपको सुनाऊंगा, उसके बाद माइक सुपर्द करूंगा भाई साहब के, क्योंकि परीक्षित भाई बोले फौजी साहब अभी मैंने गाया नहीं है, मगर भाई तो यहाँ का लोकल कलाकार है और हम भी लोकल होते हैं अपने कैथल के अंदर, तो हमें भी लोग कभी सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हम घर के कलाकार होते हैं, हमें रोज सुनते हैं लोग, बाहर से कोई भी कलाकार आ जाए उसे एकदम सुनने की चेष्टा रखते हैं भाई, इसीलिए मैं सारी वक्त की नजाकत को समझता हूँ। तेरे कीड़े भी मरवाएंगे तो भजन के बाद में तेरे भी सुनाएंगे, अरमान के भी सुनाएंगे, योगी अरमान के भी सुनाएंगे, सुषमा तेरे और सुन के जाऊंगी तो भजन में कृष्णा बहुत अच्छा गाया तने, बहुत बढ़िया गाया, ताली बजा दो छोरी के लिए एक बार भाई, वेरी गुड। और अभी देखो पहला भजन तो मैं आप लोगों के बीच में, ये बेटियों के बारे में मैंने बताया था, मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर सपोर्ट करोगे इन बेटियों को, क्योंकि ये छोरियां होती हैं, मैं फिर इस गुड़िया की तरफ देखूं, मेरी जो छोटी बेटी है वो सेम ऐसी है, हाँ अरे मामा लाड करते हैं ना जी, कितनी प्यारी लगती है, वो एक माँ ही जानती है बेटी कितनी प्यारी लगती है, वो पापा ही जानता है, जब गोद में लेके सोचता है ना कि ये मेरे कर्जे का टुकड़ा एक दिन जुदा होगा भाई, जिंदगी की हकीकत है ये बेचारी एक मिनट में देखो छोटी सी है और थोड़े से गिने थिने दिनों में इतनी हो जाती है, फिर हमें चिंता हो जाती है, गोदी में खिलाते हैं जब सोचते हैं ये मेरी बच्ची एक दिन जुदा हो जाएगी, होगी इसमें कोई शक नहीं है, तो माँ बाप का प्यार होता है, इसलिए माँ बाप जब गोदी में लेते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, तो इसको बस बड़ी लगे कृष्णा, बड़े वाला माइक देके जा मेरे को, इससे बड़ा है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, पूरा बेटा आजा आजा मेरी लड्डू आजा आजा सब ना कर बेटा, पूरा हाँ हाँ कितने में जा फोटो ले के नाम बेटा तेरा, सुरक्षा सुरक्षा, देखो कितना अच्छा सिक्योरिटी नाम रखा लड़की का, ताली बजा दो सुरक्षा, आजकल ये नाम अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गए भाई, पहले ये बुढ़िया होया करती नहीं, इनके टाइम पे नाम होया करते पतासो गुलाबो जलेबो, और ये नाम एंटी आज भी वही हैं,
नाम कौन बदले, ये इंग्लिश मीडियम जनरेशन आ गई ना, इन्हें वो नाम अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए। जड़सी गामा में गुलाब होया कर दी वह तो पिंकी बन गई, जड़सी पतासो होया कर दी वह स्वीटी बन गई, मीठी स्वीटी पतासो, यानी कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए। इसलिए ये लाडो है भाई, माँ बाप कितना प्यार करते हैं भाई, माँ बाप ही जानते हैं, अगर गोदी में लेते हैं ना फिर बेटी को क्या बोलते हैं। हाँ सुन हे लाडो बेटी, मैं तने इतना प्यार दूँ, अपने हिस्से की दुनिया में फिर पैवार दूँ, क्योंकि बच्चों से प्यारा कुछ नहीं होता भाई, विशेष तौर पे लड़कियां माँ बाप का बड़ा ख्याल रखती है। पापा पानी लाऊं, पापा दूध पिएगा, पापा रोटी गाल दूँ, आहा और ये रैकेट है गया, निकल जाएंगे साइड पे, ये बेटी फिर माँ बाप की सारी जिंदगी रहती है। अरे कैसे, सुन मेरी लाडो बेटी, मैं तने इतना प्यार दूँ, अपने हिस्से की दुनिया में तेरे पे वार दूँ, अपने हिस्से की खुशियां सारी लाडो तेरे पे वार दूँ। जब ये पैदा होती है ना, एक कोई बात नहीं, ये बोलने की लुगाई दे रहा है, तू जमी जद सारे बोले, ये लाडो तू जमी जद सारे बोले, पराई है बेटी ससुराल में तने कह देंगे बेज्ञानी, जाई है बेटी ये तू जमी जद सारी बोली, पराई से बेटी ससुराल में तने कह देंगे बेज्ञानी, जाई से है बेटी ये पीहर की अख ससुराल की, मैं तने किस घर की कहूँ लाडोए। और ये ना बेटी ना लाडो लाडो हे, ऐसे ऐसे कर, तने इतना प्यार देऊं, अपने हिस्से की दुनिया पैदा होती है, अनु क्या देख रहे पराया धन है, ससुराल में जाओगी ये बेज्ञानी जाई है, और आजकल कोई यूं ही को नहीं बता सके रहे है कौन से घर की बेचारी, इसका खुद कैसे समझ में नहीं आता। इस कन्या की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बड़ी जवाबदारी है बच्चियों की बढ़ती जाती है। नारी जाति की पूजा हिंदुस्तान में होती थी पहले नंबर पे, हमारा देश कभी हिंदुस्तान का नाम होया करता, आज सबसे पीछे चले गए हम, क्यों, क्योंकि हमने नारी जाति की कदर घटा दी, ये मानसिकता खो बैठे हम लोग भगत जनों, ये वापिस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कहता हूँ। हाँ एक पीहर की लड्डू या ससुराल की, मैं तने किस घर की कहूँ लाडोए, मैं तने इतना प्यार देऊँ। एक बार जोरदार तालियां कन्याओं के नाम से, बेटा शाबाश, थैंक यू वेरी मच।